तो रंग बिरंगी आइस के ऊपर लोग यहां पर खूब एंजॉय करते हुए नजर आए। सेलिब्रेशन और खुशियां तो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होती हैं और यही वजह है कि लोग इसका एक भी मूवमेंट नहीं छोड़ते। लेकिन जब इन खुशियों में उन लोगों को शामिल कर लिया जाए जिन्हें छोटी छोटी खुशियां भी नसीब नहीं होती, तो सेलिब्रेशन का मजा दोगुना हो जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया गया है वेनेजुएला में कुछ दोस्तों के एक ग्रुप ने, जो जरूरतमंद लोगों को क्रिसमस पर कपड़े और खाना डोनेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन अपनों में हो तो आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है, लेकिन इस खुशी में चार चांद लग जाते हैं जब सेलिब्रेशन में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो जरूरतमंद हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये लोग जो एक मिशन से जुड़े हुए हैं। मिशन का नाम है सेंटा इन द स्ट्रीट, जो कराकस में चल रहा है। इस मिशन के तहत क्रिसमस के मौके पर सेंटा के गेटअप में आकर ये लोग जरूरतमंद लोगों को कपड़े दे रहे हैं और खाने की चीजें भी दे रहे हैं। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ खुशियां बांटना। मैं चाहता हूं कि सब खुश रहें और किसी को भी मुश्किल ना हो। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसके बीच ये एक अच्छा बदलाव है हम सभी के लिए। काम का तनाव और हम जो झेलते हैं हम यहाँ उसे भूल जाते हैं। इस मिशन को साल 2006 में कराकस से ही शुरू किया गया था, जब कुछ दोस्तों के एक ग्रुप ने क्रिसमस के मौके पर डोनेशन के जरिए लोगों के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की और वेनेजुएला में फैली हुई गरीबी के बीच उन्हें थोड़ी राहत देनी चाहिए। हम बच्चों को एक अलग दिन जीने के लिए देना चाहते हैं, क्योंकि हम सड़क पर रहने वाले बच्चों और अनाथों के लिए डेडिकेटेड हैं और उन्हें खुशियां और रोशनी देते हैं। इन लोगों ने त्योहार के मौके पर वेनेजुएला के कुछ शहरों में खुशियां बांटने के लिए कदम उठाया है और लगातार 13 सालों से ये ऐसा ही कर रही हैं। हमें 13 साल से ही खुशियां लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये आंदोलन कराकस से शुरू हुआ, लेकिन हम अब दुनिया भर के 20 से ज्यादा शहरों में काम कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि सेंटा का वर्कशॉप कहाँ है। ये नॉर्थ पोल में नहीं बल्कि अब ये ट्रॉपिक्स में है। कराकस में जहाँ हम काम करते हैं गिफ्ट ला रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं। वेनेजुएला एक वक्त में दुनिया के ऑयल रिच देशों में शुमार हुआ करता था, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन के चलते इस देश में ऐसी मंदी आई कि वेनेजुएला की करेंसी रद्दी हो गई और लोग खाने पीने तक को तरसने लगे। ऐसे में त्योहार के वक्त उन्हें राहत देने का काम लोगों की ओर से की जा रही ऐसी पहल करती है। फिर रिपोर्ट सीमिटिया।